नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंगेर से हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष भावेश चौधरी जी। भावेश चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। और आज हम चर्चा जो करने जा रहे हैं वो बिहार के शिक्षा मंत्री पर करने जा रहे हैं, जो उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि रामचरितमानस देश और समाज को बांटता है। श्री रामचरितमानस पर उन्होंने सवाल उठाया था, हालांकि बाद में उन्होंने जो है उसकी सफाई भी दी, लेकिन वो सफाई काम नहीं आई और न ही किसी को रास आई। हिंदू जागरण मंच की तरफ से मुंगेर से ये परिवाद पत्र जो है दाखिल किया गया है बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ। और उनके साथ किन किन लोगों के साथ जो है, किनके खिलाफ जो है परिवाद दायर किया गया है, याचिका दायर हुई है, वो हम जानेंगे भावेश चौधरी जी से। भावेश चौधरी जी, क्या आपको लगा कि जो है इनको माफी मांगनी चाहिए या वो जो सफाई दे रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं थे? जी जी, शिक्षा मंत्री जी का बयान जो है बिल्कुल हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्षेप उन्होंने किया है। ये नेता लोग उसकी राजनीति के चलते हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों पर इतनी अपमानजनक बातें करते हैं, जो सिर्फ माफी मांगने से ही ऐसे संभव नहीं है कि लोग उनको इतनी आसानी से भूल जाए। उनका बयान समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही सर्वनाशपूर्ण है। उनको इसके लिए खुले मंच पर आकर सभी हिंदू लोगों से माफी मांगनी चाहिए। सभी सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उनके बीच में आकर के उनको माफी मांगनी चाहिए, तब जा कर के हमारा सनातन समाज हो सकता है उन्हें उनकी इस गलती पर माफ कर। जी, क्या था पूरा मामला, बताएंगे किन किन लोगों के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने जो है एक्शन लिया हुआ है? जी, चंद्रशेखर जी जो शिक्षा मंत्री हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जगदानंद सिंह जी हैं, जिनसे जब पत्रकार लोगों ने, मीडिया के लोगों ने और समाज के लोगों ने पूछा इस बाबत, तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में चंद्रशेखर जी का समर्थन किया। इन दोनों के खिलाफ हमने परिवारवाद दायर किया है मुंगेर। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस तरह से पूरे मामले पर सफाई देते नजर आते हैं मीडिया को कि हमारे संज्ञान में नहीं है, हम पता करेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी भी जो है ये जो कार्ड खेल रहे हैं, जो पॉलिटिकल कार्ड, उसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि नीतीश कुमार जी इन मौके पर बयान बदल देते हैं, कई बार जो है चीजें मतलब इसी हिसाब से करते हैं कि हिंदू हमारा कटे भी नहीं, और दूसरी तरफ उनके नेता और मंत्री जो है बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं और कुठाराघात करते हैं हिंदुओं पर। जी देखिए, ऐसी बात है कि जो खबर आज विश्व भर में मुख्य खबर बना हुआ है, सब लोग जान रहे हैं इस विषय को। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, सुशासन बाबू जो अपने आप को कहते हैं, उनको यह पता नहीं चलता है। जब उनसे मीडिया पूछती है इस विषय पर, तो वो साफ साफ इनकार कर देते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं। इसका साफ साफ अर्थ है कि नीतीश कुमार एक ही बात जान रहे हैं, एक वर्ग को, समाज के एक वर्ग को यदि अपने पक्ष में कर लिया जाए, तो अपना सनातन धर्म में जाति कार्ड खेल करके, जिसकी आज जाति जनगणना भी करवा रहे हैं, तो जाति कार्ड खेल करके हिंदू समाज को तोड़ करके उसका कुछ बहुत, और दूसरा समाज जो कि चंद्रशेखर जी का ही बयान है, मुस्लिमों का जो कुरान है वो सौहार्द फैलाता है समाज में, तो ऐसी सब बातें करवा करके वो चाहते हैं कि और जीवन पर्यंत उनका राजनीतिक
आपको लगता नहीं कि ऐसे शिक्षा मंत्री जो जो जिनको जो तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास जिनको जो है पढ़ाया जाता है और जो किताबों में है और बचपन से जो है पढ़ते आ रहे हैं, उनके ऊपर जो है जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है ये लगा रहे हैं, किस कारण कहा गया, किसने कहा, वहां पर जो बात बहुत सारे विद्वानों ने जो मत प्रस्तुत किया, क्योंकि कोई बातचीत अगर किसी में लिखी है तो तुलसीदास जी की अपनी तो कोई बातचीत थी नहीं उसमें, ना तो तुलसीदास जी ने अपना कोई अलग से जो है उसमें कोई श्लोक लिखा है कि हम ये इस पर कहना चाह रहे हैं, उन्होंने तो वही लिखा है जो वहां जो भगवान राम, रावण और जो जितने किरदार हैं राम रामायण के जितने भी पात्र हैं उन्होंने क्या बोला वो तो सिर्फ उन्होंने वही लिखा हुआ है। यहाँ पर जो बात उन्होंने जो प्रसंग उठाए हैं वो समुद्र से बातचीत के दौरान ऐसा जो है कहा गया है और समुद्र ने ऐसा बोला है, तो जब पता नहीं है इनको तो ये किस तरह के बयान हैं, क्या ये दूसरे धर्मों पर बयान देने की क्षमता रखते हैं, कैसे एजुकेशन मिनिस्टर है जो कभी जो है उनको शिक्षा का पता ही नहीं। जी जी यही तो कहना चाह रहे हैं कि बिहार में ऐसे लोगों को जो कि योग्यता नहीं रखते हैं और शिक्षा मंत्री जैसा पद उन्हें दे दिया जाता है और उस पद पर आने के बाद ये लोग अपने मन से सिर्फ राजनीति करते हुए शिक्षा का भी राजनीतिकरण करते हैं और देश को, राज्य को, यहाँ तक कि समाज को, हर एक लोगों को बांटने का काम करते हैं। हम इनका पुरजोर विरोध करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग इस बात को उठाएं और बताएं कि नहीं, समाज को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं। जबकि रामचरित मानस या किसी भी धर्म ग्रंथों पर कोई भी बयानबाजी करने का अधिकार उन्हीं लोगों को हो सकता है जो कि साधु के जानकार, के जानकार हो। बिना जानकारी वाले ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उनके ऊपर एक परिवाद जी। लगता है कि आपको कानूनी कार्रवाई होगी और कानून जो है इसमें एक्शन लेगा, क्योंकि सरकार ही नफरत वहां बांट रही है, सरकार ही नफरत फैला रही है और सरकार ही जो है सारी चीजें कर रही है, तो सरकार के ऊपर कानून जो है, क्योंकि सरकार तो सबसे बड़ी होती है, वो तो कहते हैं कि सरकार के ऊपर कोई नहीं, कोई कानून आनून नहीं मानेंगे, क्योंकि हम आज के दौर में देख भी रहे हैं कि कोई कानून मान भी नहीं रहा है। अगर कानून का ही पालन होता और किया अगर जाता तो ये बयान ही नहीं निकल के आता है, इतने वर्षों में तो कभी आया नहीं, किसी ने दिया नहीं। और शिक्षा मंत्री जैसे पद पर जो है, इतने वरिष्ठ पद पर जो है आने के बावजूद भी जो है उनके अंदर ये घुसा हुआ है कि हिंदुत्व के खिलाफ ही बोलना है, क्योंकि यहाँ तो कोई कुछ बोलता नहीं है। जी आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है हमारी आप तक? आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है आप तक? भावेश जी आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? तो शायद हमारा कनेक्शन उनके साथ जो है टूट गया है बातचीत का, उनको आवाज जो है नहीं पहुंच पा रही है और इसी कारण हमें ये कार्यक्रम यहीं स्थगित करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षा मंत्री हैं राज्य के और वो सभी के शिक्षा मंत्री हैं, तो उनको किसी भी धार्मिक जो है चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। जब वो धर्म की बात करते हैं, जातवाद की बात है, ये चीजें बातचीत करनी है, अच्छी बात है, लेकिन आप उनको लाइए ना, आप बात करिए, सदन में आप बात करिए, उसको रिकॉर्ड आप करवाइए, वहां तो आपने बात करनी नहीं, आप यहाँ आकर के हिंदुओं पर कुठाराघात करते हैं और किसी भी धर्म को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। शिक्षा मंत्री को ये ख्याल रखना चाहिए अपना और उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्यवाही भी होनी चाहिए। अदालत उनसे पूछे कि देश में आखिर नफरत कौन फैला रहा है, कौन नफरत बांट रहा है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।